हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सेट नंबर 4 की। बाइलिंगुअल जीके को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। जनरल अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फटाफट लाइव सेशन के साथ में जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ सकें। स्पीडली जुड़ जाइएगा। शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करें तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ये आंसर दीजिएगा। वही 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक सेकंड अपन राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना किस राज्य ने शुरू की? यहाँ पे एक स्कीम है जिसका नाम है दुलारी कन्या योजना। तो यहाँ पे आपको बताना कि ये जो स्कीम है ये किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है। आपके सामने ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी और एमपी। किसके अंदर? शिशु मृत्यु दर, और स्कीम का नाम है दुलारी कन्या योजना। तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और वहाँ पे सीएम कौन है? पेमा खांडू है क्या? कन्फर्म करते जाइएगा साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट चित्रकार है? वो अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश्ड पेंटर। सबसे स्पेशल चित्रकार कौन सा है? ऑप्शन है उदय शंकर, सोनल मान सिंह, अमृता शेरगिल, यमिनी कृष्णमूर्ति। क्या अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है? तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा अमृता शेरगिल है। वो एक स्पेशल टाइप की यानी विशिष्ट चित्रकार है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा मालिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ध्यान दीजिएगा, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल ये बुक का नाम है। यहाँ पे बताना है कि इसके लेखक या लेखिका कौन है। पुस्तक का नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, इसके लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन है मीना अय्यर, हेमा मालिनी, राम कमल मुखर्जी या विजय कुमार। क्या अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा राम कमल मुखर्जी। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर है, कौन सा टैक्स है जो समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है? यानी जो गरीब श्रेणी है या जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बनता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या दोनों? कौन सा टैक्स होगा? आंसर जाएगा अपना, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है? हार्ट एंड सोल, यहाँ पे अपना आंसर जाएगा आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, ठीक है। और संविधान सभा के प्रारूप संविधान सभा के सदस्य को अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रारूप के। निम्न में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? किस प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन या संसद में नियम व प्रक्रिया? क्या अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है? यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, चेंज इन फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ध्यान दीजिएगा, ट्रेड मोनोपोली या जो व्यापारिक एकाधिकार है यानी खुद का सिंगल एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार है, उसको समाप्त कर दिया गया था, कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन है 1773 का विनिमय, या जो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ युद्ध दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ वर्ष दे रखे हैं, इनको मैच करना है कि कौन सा युद्ध किस वर्ष के अंदर हुआ था। बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है और हल्दीघाटी का युद्ध है, इनको सबको मैच करना है अपने को। तो यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला है बक्सर का युद्ध सन 1764, प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ था सन 1757, और हल्दीघाटी का युद्ध सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले का मतलब ये हो जाएगा 1576 के अंदर, हल्दीघाटी का युद्ध सबसे पहले माना जाता है, 1576 अपना यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो फिर से देख सकते हो, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757 और हल्दीघाटी का युद्ध है
1576। निम्न में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण वर्षा होती है कहाँ पे होती है? वेरी गुड मॉर्निंग। पश्चिमी विक्षोभ समझते हो, ये अपना इंडिया का मैप मान सकते हो आप, ये हो गया वेस्टर्न। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ होती है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल या गुजरात? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा पंजाब। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम और पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट इनमें पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका मेन कारण क्या है? पश्चिमी घाट में भी वर्षा होती है, पूर्वी घाट में भी वर्षा होती है, लेकिन दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसके पीछे का रीज़न। दक्कन का पठार एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, या यह वायु की दिशा के समांतर है, या यह समुद्र के तट से दूर है, या वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति है यहाँ पे? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर बनेगा इट इज ए रेन शेडो एरिया, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। रेन शेडो एरिया होने की वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है, किसके अंदर? दक्कन के पठार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? देखिएगा, कई बार चिपको आंदोलन आता है तो उसका माना जाता है कि ये उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था 1973 में, लेकिन उत्तराखंड से पहले भी ये राजस्थान के अंदर स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम था खेजड़ली, वहाँ पे भी पेड़ों को बचाया गया था, ठीक है, और वो हुआ था सन 1700 के लगभग कुछ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया, ये जो 1973 में हुआ था ये उत्तराखंड के अंदर हुआ था, 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? संभाजी, बाबा आमटे, सुंदरलाल भाऊगुणा या मैदा पाटकर? यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल भाऊगुणा के साथ में, आंसर हो जाएगा सुंदरलाल भाऊगुणा। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ था? चमोली से हुआ था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंडफॉल के लेखक लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द विंडफॉल? ऑप्शन आपके सामने, मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष, दीक्षा बसु, अरुंधति रॉय। क्या अपना आंसर बनने वाला है यहाँ पे? द विंडफॉल इसके अपने को बताना है कि लेखक या लेखिका कौन है। द विंडफॉल क्या आंसर बनेगा अपना यहाँ पे? आंसर हो जाएगा दीक्षा बसु करेक्ट आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड विंडफॉल के लिए। निम्न में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? कौन सा मार्केट है जिसमें जो संघ होता है, इनका व्यवसाय संघ होता है, वो उनकी प्राइस को, जो भी है प्रोडक्ट है उनकी प्राइस को नियंत्रित करने में फेल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है? मिक्स्ड, मोनोपोली, ओलिगोपोली या परफेक्ट कंपटीशन? क्या आंसर बनेगा अपना यहाँ पे? यहाँ पे आंसर जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। अगर पूर्ण कंपटीशन चल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, तो कीमतों को कंट्रोल करना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? कमलेश कुमार, कटटॉप का वीडियो इसलिए नहीं बनाया, बहुत सारे वीडियो पड़े थे, और मेरा तो यही कहना है कि यदि RRBJEE के लिए, मेरा तो यही एडवाइस आपकी, यदि आप रेलवे का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो, जैसे कि जनरल का 40% है, SC OBC का वो है 30% और ST का 25%, इससे यदि आप 5-10% ज़्यादा ला रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी चालू रखनी चाहिए। अगर 10% भी आपकी ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको 100% अपनी तैयारी चालू रखनी चाहिए, बस यही एक कंसेप्ट है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? रो मार्क्स इतने कम आ रहे तो श्योर नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स ये बढ़ने वाले हैं, जिनके जितने कम है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स उतने ही बढ़ेंगे। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके लिए? फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास पुनः समझौता महात्मा गांधी और किस किस के बीच हुआ था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पुनः पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड हु, किस किस के बीच हुआ था ये?
यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था और सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय का भी श्रेय माना जाता है। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय का भी श्रेय है और यहाँ पे पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए वन कौन से हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। सबसे ज़्यादा एरिया में फैले हुए वन कौन से हैं। यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती वन। इंग्लिश में देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट की बात हो रही है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ध्यान दीजिए ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। MICR की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाएगी या किसी भी करेक्टर का नाम पूछ लिया जाएगा, M क्या है, I क्या है, C क्या आर है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बार कोड रीडर आपने देखा ही होगा, इस तरीके की लाइनें होती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, अपने मॉल में शॉपिंग करते हैं तो उसको वो रीड करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है, आंसर हो जाएगा अपना प्लॉटर। बिल्कुल सही आंसर है मधु ठाकुर, प्लॉटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे मेन या सबसे अग्रणी लीडर कौन थे। अन्ना हजारे, मैदा पाटकर, शांता सिन्हा या मानसी प्रधान। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैदा पाटकर के साथ में। मैदा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। उस देश का आम नागरिक उड़ान, उड़ान की फुल फॉर्म देखिएगा एग्जाम में पूछ ली जाएगी आपसे। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। योजना के अंतर्गत श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में क्षेत्रीय हवाई सेवाएं कितने रुपए प्रति घंटा में उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे किराया पूछा गया है आपसे श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों के बीच में कितना किराया है। और ये उड़ान की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। किसके लिए, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए स्पेशली क्रिकेट लवर्स को। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया। इक्केबाना एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है। जापानी कला है इक्केबाना किससे संबंधित है। कागज को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेड़ों की कटाई से या रेत पर चित्रकारी से। आज फाइनल है, क्या आंसर होगा। इक्केबाना जापानी कला है, तो आपका आंसर होने से जापान की। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया। एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके सामने, ऋषि कपूर, एमएस धोनी, करण जौहर, विक्रम सेठ। पुस्तक का नाम है एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय। आंसर हो जाएगा यहाँ पे करण जौहर, अनसुटेबल बॉय करण जौहर। करण जौहर वैसे भी अनसुटेबल है तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, अनसुटेबल बॉय करण जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। IORA की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। IORA की फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हो, द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसका सदस्य नहीं है, लंका, मॉरिशस, सेशल्स, चाइना। यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला है चाइना, चाइना। IORA हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय, थोड़ा अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइएगा। हिंद महासागर यानी हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र, तो थोड़ा लॉजिक लगाएगा हिंद महासागर कहाँ स्थित है, उसके आसपास वाली कंट्रीज कौन कौन सी है, तो उस तरीके से भी आप आंसर को टिक मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जनवरी 2017 में विश्व के सबसे लंबे बुलेट ट्रेन रेल मार्ग जिसकी लंबाई इतनी का प्रक्षेपण किया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आपसे, ये विश्व के सबसे लंबे बुलेट ट्रेन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 2252 किलोमीटर है। किस देश के अंदर स्थित है, किस देश के अंदर ही है। जापान, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये दो कंट्री तो हो ही नहीं सकती बुलेट ट्रेन के मामलों में, तुक्का भी मारे तो ऑब्वियसली अपन तुक्का मारे तो जापान और चाइना के अंदर तुक्का मारेंगे, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है तो इंडिया में नहीं है तो अफगानिस्तान, म्यांमार में तो होने का सवाल ही नहीं उठता ना, तो आंसर देंगे अपन 102 के अंदर। और 102 में बुलेट ट्रेन में सबसे आगे कौन है, चाइना। आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। क्वेश्चन नहीं आता है तो
ऑप्शन को हटा हटा के देख सकते हो आप। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। कौन है जो योजना बनाने का काम करती है? इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जितने भी मेन एक्टिविटीज होती है उनके अंदर अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए कौन है जो योजना बनाएगी? उद्योगपति, नागरिक, सरकार या न्यायपालिका? क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर बनेगा अपना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम होता है प्लान बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी मामले के अंदर पुनर्विचार कर सकेगा यदि वो संबंधित है मौलिक क्षेत्राधिकार से, रीट संबंधित क्षेत्राधिकार से, अपीली क्षेत्राधिकार से या सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार से। संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? हाई कोर्ट है, उनके जो जज है इनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज है अब कितने, 62 वर्ष। तो बताना कि किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई है? 10वें, 12वें, 15वें या 245वें? आंसर जाएगा अपना 15वें। 15वें संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट के जो जज है इनकी जो आयु है रिटायरमेंट एज वो 60 से 62 ईयर कर दी गई है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? मद्रास की बात हो रही है, मद्रास के अंदर क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तुक्का लगाओ तो थोड़ा लॉजिक लगाइए कि मद्रास के अंदर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? मद्रास के अंदर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? बस ऑप्शन अपने सामने, जूट, चाय, गन्ना या चावल? अपना आंसर हो जाएगा चावल के साथ में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था? दीदा रानी का नाम है, DIDD है दीदा, कहाँ पे इन्होंने शासन किया था? ऑप्शन है अवध, कश्मीर, सिंध या बंगाल? दीदा नाम की रानी ने कहाँ पे शासन किया था? आंसर हो जाएगा अपना कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का मतलब ये अपना भारत का नक्शा है, अगर आप देखो तो ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, यानी मैप के अंदर देखिएगा ये पोर्शन किसके साथ में लगा हुआ है? लंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है कमेंट करके बताइएगा, प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है कमेंट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ आलवी है क्या? आरिफ आलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या असम हिमालय? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जो URL नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब प्रोफाइल कहाँ है? URL का मतलब आप समझते हो कोई भी एड्रेस होता है, जैसे कि www.com, ठीक है, ये होता है URL। तो URL का मतलब क्या है, अपने को बताया कि वेब कहाँ पर स्थित है, JavaScript, वर्ल्ड वाइड वेब, SQL या स्ट्रिंग, कहाँ पर बताएगा? किसके द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जो URL के नाम से जाना जाता है, जो ये बताता है कि वेब प्रोफाइल कहाँ है? आंसर हो जाएगा ये वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान होगा, ग्राम उदय से भारत उदय या स्टैंडअप इंडिया या नेशनल आर्यू अर्बन, क्या होगा इससे? शौचालय निर्माण वाली योजना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान से, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 कबड्डी विश्व कप उप विजेता कौन थे? 2016 का कबड्डी विश्व कप उप विजेता कौन है और कमेंट करके बताइएगा विनर कौन था? 2016 मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप के विनर कौन थे, यहाँ से अपने से पूछा गया रनर अप, कमेंट कीजिएगा फटाफट कि विनर कौन था 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप के। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ईरान, ईरान थे रनर अप और विनर कौन थे, विनर शायद इंडिया थी या कौन थे, विनर को कन्फर्म कीजिएगा विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? बिल्कुल सही है, इंडिया थी विनर, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस में जो यात्रा करते हैं उनके लिए कौन से स्टेशन का यूज किया जाता है? उनके आप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किस स्टेशन पे उनसे ये सब कुछ लिया जाता है? जलाल मेरी स्टेशन 0 पॉइंट सूची में सूचीबद्ध है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7th शेड्यूल है और अपने से पूछा गया लिस्ट कौन सी है, शेड्यूल कौन सा है, 7th शेड्यूल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है तो ऑप्शन देखिएगा केंद्रीय, राज्य, विश्व या कंकरेंट। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा यूनियन, केंद्रीय सूची के अंदर सूचीबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है कमेंट कीजिएगा और इसकी स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? पंजाब में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? 7, 1, 18, 10। और राज्यसभा की पूछी गई है, राज्यसभा को अपर सदन बोलते हैं, वेंकैया नायडू एट प्रेजेंट उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति को कभी भी राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते, इलेक्शन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, अपना आंसर क्या बनेगा? 7, 1, 18, 10 आंसर होगा 7। राज्यसभा सीटें पूछी गई है पंजाब के अंदर। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीपी सिंह बदनौर है वहाँ के गवर्नर। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? राष्ट्रकूट, चालुक्य, सामंत या ब्राह्मण। यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला है सामंत के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किले का निर्माण कहाँ किसने करवाया था? आगरा किससे संबंधित है? आगरा का किला किससे संबंधित है और निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। यहाँ पे अपना आंसर होने वाला अकबर, अकबर से संबंधित है आगरा का किला। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कहाँ पे स्थित है? आगरा के अंदर स्थित है, यूपी आगरा। जून 2017 तक भारत में कितने राज्य हैं? 8% भारत के अंदर कितने राज्य हैं बताइएगा, कितने स्टेट है भारत के अंदर और लेटेस्ट स्टेट कौन सा बना? 26, 27, 28, 29। भारत के अंदर टोटल स्टेट्स है 29 और लेटेस्ट बनने वाला स्टेट है तेलंगाना। कब बना? 2014 के अंदर बना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। दोनों की कंबाइंड है और बाद में आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगी? अमरावती। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा या कौन सी है? भारत का जो उत्तरी मैदान है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है। उत्तरी मैदान है सिंधु, गंगा और कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है या महानदी है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साथ में। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना है। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य 300 स्मार्ट गांवों का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और आधारिक संरचना के विकास को प्रोत्साहित करना है? यानी गांवों का विकास करना है तो मिट्टी वाला तो हो नहीं सकता, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या होगा? ना ही रोजगार हो सकता ना ही फसल हो सकता, तो अपना आंसर बचेगा ओनली एक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पुणे, दिल्ली, औरंगाबाद, हैदराबाद। क्या आंसर बनेगा अपना? चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बिम स्टेक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। बिम स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं पे इसकी फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका सदस्य नहीं है थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? कौन सा सदस्य नहीं है? पाकिस्तान। अभी अभी मोदी ने शपथ ग्रहण लिया तो किसको बुलाया था? बिम स्टेक मेंबर्स को बुलाया था और बिम स्टेक मेंबर्स को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेन की फुल फॉर्म क्या है? लेन की फुल फॉर्म क्या है? लाइन एरिया, लीनियर एरिया, लोकल एरिया या लैंड एरिया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोकल एरिया। भारतीय संविधान सभा वर्ष किस में स्थापित हुआ था? भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर, आंसर हो जाएगा अपना 1946 के अंदर स्थापित हुआ था। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है?
अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। वो कौन सा मौलिक अधिकार है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर दोगे, बिल्कुल आपका आंसर सही जाएगा। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? सांस्कृति से रिलेटेड या संवैधानिक से रिलेटेड या शोषण। शोषण काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, शोषण के विरुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे माना गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार माना गया है यहाँ पे। संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, ये माना गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये नहीं हो सकता शोषण वाला। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा क्या उगता है वही अपना आंसर हो जाएगा। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा क्या उगता है वही आंसर हो जाएगा, जूट, चाय, गन्ना या गेहूं। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? राजपूत, खिलजी, तुगलक या मुगल। 16वीं शताब्दी में पूछा गया दिल्ली का लाल किला, आंसर हो जाएगा अपना मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत के स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 5200, 10200, 15200, 20200। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंजेज? पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी या हिंदू कुश। आंसर जाने वाला अपना पूर्वांचल के साथ में, पटकाई पहाड़ियाँ हिमाचल या पूर्वांचल। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई उस योजना का उद्देश्य, किस योजना का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है बताइएगा? सुकन्या समृद्धि, बाल स्वच्छता, प्रधानमंत्री जनधन या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाल स्वच्छता मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 फीफा विश्व कप का मेजबान देश कौन सा था? 2014 विश्व ये फीफा विश्व कप है, इसका मेजबान कंट्री कौन सी थी? अर्जेंटीना, नीदरलैंड, जर्मनी या ब्राजील। मेजबान कंट्री पूछी गई है यहाँ पे, मेजबान कंट्री हो जाएगी ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या? ब्राजीलिया। ब्राजील आंसर हो जाएगा, ब्राजीलिया वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, शाहजहां ने। अभी हमने देखा था 17वीं शताब्दी से रिलेटेड है, पहले पीछे क्वेश्चन आया था, और अभी आंसर हो जाएगा अपना शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 26.2 बिलियन डॉलर में लिंक्डइन कंपनी का नाम है का अधिग्रहण कर लिया? लिंक्डइन का अधिग्रहण किसने किया? एप्पल ने, फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या IBM ने? लिंक्डइन का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा अपना माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला, भारतीय है। और ये जो सुंदर पिक्चर ये किसके है? गूगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? भारत से निकल के पाकिस्तान में जाने वाली नदी कौन सी है? सतलज, घाघरा, बेतवा, तापी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम एग्जाम्पल क्या है? द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी के अंदर बताना है, 20वीं सदी के अंदर USA, भारत, सोवियत यूनियन या जापान, सबसे लंबी अवधि तक जिसकी योजना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता था, सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था। परिवर्ती आगत और निर्गत, आगत और निर्गत का मतलब है वेरिएबल इनपुट और आउटपुट। दिए गए ऑप्शन में से क्या चीज़ है जो वेरिएबल इनपुट और आउटपुट से संबंधित है? ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखा जाए, अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखा जाए तो वेरिएबल इनपुट और आउटपुट से संबंधित क्या है? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, समान मात्रा या दीर्घकाल। आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट है, वो वेरिएबल इनपुट और आउटपुट से संबंधित है, उस स्थिति में जब सभी के सभी इनपुट हैं उनको कॉन्स्टेंट रख दिया जाए। इनपुट सभी इनपुट कॉन्स्टेंट है तो टोटल प्रोडक्ट है उनको कॉन्स्टेंट मान लिया। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसका अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है, पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।
मौलिक अधिकार से संबंधित, रेट संबंधी अधिकार से संबंधित, अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित या सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार से संबंधित। आंसर हो जाएगा यहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने, मूल न्यायिक क्षेत्र, याचिका संबंधी, अपील संबंधी या सलाहकार संबंधी। किस अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, किस क्षेत्र के तहत पूछा गया? तो हमें आंसर मिलेगा रिट ज्यूरिडिक्शन यानी याचिका का न्यायिक क्षेत्र, याचिका का न्यायिक क्षेत्र या रिट ज्यूरिडिक्शन के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। और अभी CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेंट करके बताइएगा CJI कौन है अभी एट प्रेजेंट। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? चाय भी होती है। और किसके लिए मजबूर करते थे? वो जूट। आंसर होगा यहाँ पे जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में, बिल्कुल सही आंसर दिया रंजन गोगोई एट प्रेजेंट CJI। किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीनिया पर हमला किया? किसके नेतृत्व में किया था? तेमुरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या चंगेज का? मंगोलों ने किया था, किसके ऊपर किया था? ईरान के ऊपर। ईरान में कहाँ पे? इस जगह पे हमला किया था। आंसर जगह पे चंगेज खां के नेतृत्व में। किसने किया? मंगोलों ने 1219 में ईरान पर। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर करती है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, कोई जैव मंडल है इसके अंदर जीव जंतु रह रहे हैं, वो इससे संबंधित जितने भी यहाँ पे चीजें हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इकोसिस्टम बोलेंगे, पर्वत श्रेणिया, जंगल या वातावरण। आंसर हो जाएगा अपना इकोसिस्टम, परितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिस्ता और ध्यांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को नहीं किया हो तो। क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास में, तिस्ता और ध्यांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? नेपाल, कश्मीर, असम और जम्मू। आंसर हो जाएगा असम। किस किस के बीच में स्थित है? तिस्ता और ध्यांग के बीच में। निम्न में से किस प्रचालन प्रणाली या किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है? टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टीच टेक्स्ट है वो एक टेक्स्ट एडिटर है? विंडो, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या मैकिनटॉस। आंसर जगह यहाँ पे मैकिनटॉस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें टीच टेक्स्ट है वो एक टेक्स्ट एडिटर है। कौन सी योजना है जिसके तहत किसानों को मिट्टी कार्ड जारी किए जाने की योजना है, जिसमें फसलों के अनुसार पोषक तत्व और उर्वरक आदि की सलाह दी जाएगी? ऑप्शन आपके सामने, सोयल हेल्थ कार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या नेशनल अर्बन मिशन। आंसर जाएगा इसका, सिंपल सा आंसर है सोयल हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। चित्रकला सबसे ज्यादा किसके शासन के दौरान निकल के बाहर आई थी, किसके शासन के दौरान आई थी? आंसर हो जाएगा हुमायूं। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? आंसर हो जाएगा हुमायूं। दिल्ली लाहौर बस आधिकारिक तौर पर किस रूप में जानी जाती है? दिल्ली और लाहौर के बीच में जो बस है ऑफिशियल रूप से किसके रूप में जानी जाती है? सदाए सरद, मैत्री, यादे सरद सईद या दोस्ती बस। सदाए सरद, मैत्री, क्या आंसर बनेगा अपना? सदा ए सरद। मैत्री किसके बीच में चलती है? बांग्लादेश के बीच में चलती है क्या? मैत्री बस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सदाए सरद। निम्न में किस देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? GDP किससे प्राप्त नहीं होता? GDP के अंदर अपन किसको शामिल नहीं करते हैं? ऑप्शन है एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, इंटरनेशनल सेक्टर को या सर्विस सेक्टर को। GDP के अंदर किसको शामिल नहीं करते अपन? आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को। एग्रीकल्चर आता है हमेशा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री आती है हमेशा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और सर्विस सेक्टर जैसे बैंक वगैरह होगी ये आते हैं हमेशा टेरिटरी सेक्टर के अंदर, तृतीय क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? राज्यसभा की पूछी गई है। सिक्किम के अंदर टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11, 19, 10, 1। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। दारा सिकोए अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया था। दारा सिकोए वाज किल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर। क्या नाम था भाई का नाम? दारा सिकोए का संघर्ष हुआ था अपने भाई के साथ में, नाम बताना है दारा सिकोए के भाई का नाम।
ऑप्शन जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां। आंसर हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बेरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम क्या था। अल बेरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, लिखित भाषा अरबी, किसके द्वारा, अल बेरूनी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे किताब अल हिंद, किताब अल हिंद किसमें लिखी हुई है, अरबी भाषा में, किसके द्वारा, अल बेरूनी के द्वारा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7, 6, 5, 4। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7। दिल्ली जिसको अपन NCR बोलते हैं वो भी एक यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान किससे मिलकर बनाया है, कायंत्रित मिट्टी से, आग्नेय शैल से, जलोढ़ मिट्टी से या पुरानी क्रिस्टलीय चट्टान से। यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला है जलोढ़ मिट्टी से, उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी। शेर, चित्ता, टाइगर ये सभी स्पेसिस किस वंश में आती हैं, इनका वंश बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सोलेनम, पैंथ्रा, फेलिस, टिग्रिस बताइएगा। शेर, चित्ता, टाइगर ये किसके अंदर आता है, पैंथ्रा के अंदर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, अपन स्टोर करते हैं जैसे अपना मेमोरी कार्ड होता है उसी प्रकार से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आईपॉड, पेन ड्राइव, लिनक्स, फ्लैश डिस्क। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, आईपॉड, आईपॉड में भी अपन गाने भर सकते हैं, पेन ड्राइव में भरते हैं, फ्लैश डिस्क में भी भरते हैं। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लिनक्स के अंदर नहीं भर सकती, एक लैंग्वेज आ गई। कौन सी योजना है जिस जो एक नवीन कृषि फल बीमा योजना है, यानी कृषि पर आधारित बीमा योजना है जिसका उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ाना है, कृषि का बीमा योजना से संबंधित कौन सी स्कीम है। ऑप्शन है सोइल हेल्थ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या नेशनल आर अर्बन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फसल बीमा योजना। 2017 का IPL के विजेता कौन है, और अभी अभी जो IPL हुआ था उसके विजेता बता दीजिएगा, अभी लेटेस्ट IPL हुआ था उसके विजेता कौन है। ऑप्शन है यहाँ पे मुंबई इंडियंस, राइजिंग पुणे सुपरजेंट, डेली डेडविल्स, और पहला जो IPL हुआ था फर्स्ट IPL उसके विजेता कौन है, फर्स्ट IPL के विजेता राजस्थान रॉयल्स। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस, और अभी लेटेस्ट विजेता कौन है, मुंबई, और फर्स्ट किसने जीता, फर्स्ट IPL जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। धामक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है, धामक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है, पुणे, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। अपना आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और पाकिस्तान के किस शहर के बीच में चलती हैं, पाकिस्तान के किस शहर से चलती हैं, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, लाहौर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे, किसकी गिरफ्तारी की वजह से पेशावर की सड़कों पर बहुत तेज प्रदर्शन हुए थे। ऑप्शन है अब्दुल गफार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या मुजफ्फर अहमद। आंसर हो जाएगा अब्दुल गफार खान। 1930 ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे, कौन थे, तैमूर के सक्सेसर कौन थे, तैमूर रूलर ऑफ ईरान, इराक, मॉडर्न डे, इनके सक्सेसर पूछा गया है, राजपूत, खिलजी, मुगल और तुगलक, इनके सक्सेसर पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मुगल थे सक्सेसर, यानी इनके बाद आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय दक्षिण की ओर एक तिक्का मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है, देखिए ऑप्शन में बताना है कि किसके बाद में हिमालय वो दक्षिण की ओर एक तिक्का मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है, जोजीलादरा, दियांग, भूटान सीमा, नेपाल सीमा। आंसर हो जाएगा दियांग, ये भूटान नेपाल तो हो नहीं सकता, तो इनमें से अपन आंसर लगाएंगे दियान। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्वेश्चन है नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली, लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द विच पास, किस दर्रे से, खेबर, जोजिला, नाथुला या काराकोरम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोजिला दर्रा। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली। कौन सी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, यानी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है किसके बीच में, कौन सी योजना के तहत। आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कौन सा देश दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है,
साउथ एशियन ट्रेड फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, चाइना, लंका, भूटान या इंडिया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विंसबेरी नियम एक रूल है, क्विंसबेरी रूल कोड ऑफ रूल, रूल का कोड है और डायरेक्टली प्रभावित करता है किसी किस खेल को, किस खेल पे ये इफेक्ट डालता है, टेनिस पे, मुक्केबाजी पे, पोलो पे और बिलियार्ड पे। एक रूल है जिसका नाम है क्विंसबेरी रूल, ये किस खेल को इफेक्ट करता है, तो इस खेल का नाम है बॉक्सिंग। ये था अपना सेट, आज सेट नंबर 4 बाइलिंगुअल का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट में डाउट लिखिएगा, ठीक है। तो समाप्त करते हैं इसको यहीं पे, और स्लो, काफ़ी स्लो चल रहे हैं अपन तो वैसे भी, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।